राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट की फाइनल में एंट्री पर उन्हें बधाई दी है, साथ ही केंद्र सरकार की आलोचना भी की। राहुल ने कहा कि आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये बातें कही। उन्होंने लिखा, एक ही दिन में दुनिया की तीन धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को जुटलाया, उनकी नियत और काबिलियत पर सवाल खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। राहुल ने आगे कहा, चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। राहुल ने अंत में हैशटैग के साथ लिखा, गो फॉर गोल्ड। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने भी विनेश फोगाट की जीत को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, विनेश का पेरिस ओलंपिक में सिल्वर या गोल्ड मेडल पक्का है, क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री उन्हें कॉल करेंगे? जयराम ने आगे लिखा, इसमें भी जरूरी यह है कि क्या प्रधानमंत्री उस शर्मनाक घटना के लिए माफी मांगेंगे जब महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ घिनौना व्यवहार किया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।